हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अ अ लाइट रे फॉल्स ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास एज शोन द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इज टू अकर एट द वर्टिकल फेस देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है कि हमारे इस पॉइंट पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डालते हैं और इस पॉइंट को अगर हम बी मानते हैं इस पॉइंट को अगर हम ए मानते हैं तो देखिए इस डी पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है टीआईआर तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है इफ द इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल अगर हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा देन टीआईआर विल अकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब देखिए अब हम यहां से क्वेश्चन समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें यहां पे दिया गया है कि तो हमारे बी पॉइंट पे टी आई आर हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ए पॉइंट की अगर हम बात करते हैं एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे हमारा क्या होगा देखिए ये हमारा ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी मान लेते हैं एयर है तो इसे म्यू ए मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स स्नेल्स लॉ लॉ पॉइंट पे हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा म्यू ए साइन फोर्टी फाइव क्योंकि हमारा इंसिडेंट एंगल कितना है फोर्टी फाइव और अगर इस एंगल को हम आर मान लेते हैं तो ये हमारा कितना होगा नाइनटी माइनस आर तो ये किसके बराबर होगा म्यू जी साइन आर तो यहाँ से हमें क्या मिल गया साइन फोर्टी फाइव बाई साइन आर दिस शुड बी कॉल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा साइन आर क्या हो जाएगा साइन आर इज कॉल्स टू वन अपॉन रूट टू म्यू जी अपॉन म्यू ए ऐसे हम फॉर फोर पॉइंट बी के लिए लिखेंगे फॉर पॉइंट बी साइन नाइन्टी माइनस आर ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू जी के तो यहां से हमें क्या मिल रहा है नाइन्टी माइनस आर हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल इज क्रिटिकल एंगल तो फोर्थ ज आर हमारा क्या हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू जी और इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन म्यू जी बाई म्यू ए तो यहां से हमारा म्यू जी बाई म्यू ए ये हमें कितना मिल गया ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन कॉज आर तो दिस शुड बी क्वेश्च टू वन अपॉन कॉज आर की जगह हम क्या लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर आर कोद आर को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर आर तो वन अपॉन वन माइनस एंड साइन आर साइन आर हमारे पास क्या था ये तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस वन अपॉन साइन आर का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू म्यू जी बाई म्यू ए इसका होल स्क्वायर तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें मिलेगा म्यू जी बाई म्यू ए का होल स्क्वायर दिस शुड भी इक्वल्स टू वन माइनस सॉरी वन अपॉन वन माइनस हम दोनों साइड स्क्वायरिंग की है तो ये हो जाएगा वन अपॉइन टू म्यू जी बाई म्यू ए होल स्क्वायर तो यहां से हमें मिल जाएगा टू म्यू जी बाई म्यू ए का होल स्क्वायेर अपॉन टू म्यू जी बाय म्यू ए होल स्क्वायर माइनस वन इसको हमने सॉल्व किया है तो ये आ गया हमारे पास तो यहाँ से टू म्यू जी बाय म्यू ए का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर टू तो यहाँ से हमें क्या मिल गया म्यू जी बाय म्यू ए ये कितना आ रहा हमारे पास अंडर रूट थ्री बाई टू और यही हमसे पूछा गया है Therefore, our correct answer will be, our correct answer will be option A that is under root 3 by 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.